ये कहानी अंटार्कटिका से चालू होती है। यहाँ तीन लोग भयंकर ठंड के बीच एक ऐसी चीज की तलाश में थे जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये चीज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल छोड़ती थी। गाड़ी में बैठा आदमी अपनी मशीन से वो सिग्नल पकड़ लेता है। सिग्नल उनकी गाड़ी के ठीक नीचे बर्फ में से आ रहा था। वो जैसे ही गाड़ी को रुकवाता है, बर्फ के टूटने से गाड़ी एक गुफा में चली जाती है। गाड़ी की हेडलाइट चालू करने पे एक अनजान चीज नजर आती है जो मेटल से बनी थी। और फिर केट नाम की वैज्ञानिक, जो कि पुराने जानवरों पे रिसर्च करती थी, अपने दोस्त एडम से मिलती है। एडम डॉक्टर सैंडर नाम के आदमी के लिए काम करता था। वो डॉक्टर सैंडर को केट से मिलवाता है। डॉक्टर सैंडर की टीम ने दो दिन पहले उस एलियन स्पेसशिप को बर्फ में खोज निकाला था। वो लोग उस स्पेसशिप की जांच करेंगे। डॉक्टर सैंडर केट को भी साथ चलने को कहते हैं। केट को इस तरह का मौका उसके पूरे करियर में नहीं मिलेगा। केट, उसका दोस्त और डॉक्टर सैंडर हेलीकॉप्टर से अंटार्कटिका जाते हैं। हेलीकॉप्टर का पायलट सैम उन्हें खराब मौसम के बारे में चेतावनी देता है। वो एक थूल नाम के आर्कटिक स्टेशन पे पहुंचते हैं। वो लोग एक जगह पे होते हैं जहाँ पे पहले से खुदाई का काम चल रहा था। डॉक्टर सैंडर केट को अपने दोस्त से मिलवाता है जो यहाँ पे खुदाई के काम को संभाल रहा था। डॉक्टर सैंडर का दोस्त उन्हें अंदर वो एलियन का स्पेसशिप दिखाता है। उनके हिसाब से ये एलियन शिप 1,00,000 साल पहले क्रैश हुआ था। ये शिप एक तरह का रेडियो सिग्नल छोड़ रहा था इस उम्मीद में कि कोई और एलियन शिप इन्हें आके बचा लेगा। अब डॉक्टर सैंडर उन्हें बर्फ के अंदर दबी एक एलियन की बॉडी को दिखाता है। केट को वो बॉडी को बाहर निकाल के उस पे अध्ययन करना था। केट के दोस्त को ये बात अजीब लगती है कि वो एलियन अपने शिप से बाहर क्यों निकला, क्योंकि बाहर तो इतनी ज्यादा ठंड थी। रात को केट अपने रूम से आसमान में तारों को देख के कहती है उसे कभी एलियंस पे यकीन नहीं था। अगले दिन वो उस बर्फ के टुकड़े को काट के एलियन को बाहर निकाल लेते हैं। वो उस बर्फ के टुकड़े को ट्रक से घसीटते हुए ले जा रहे थे। हेलीकॉप्टर का पायलट सैम और उसके दोस्त ये सब देख रहे थे। डॉक्टर सैंडर्स एलियन का सैंपल लेने वाला था। केट उसे मना करती है कि हो सकता है एलियन की बॉडी में कोई वायरस हो, लेकिन डॉक्टर सैंडर केट पे गुस्सा करते हुए कहता है वो यहाँ का इंचार्ज है। डॉक्टर सैंडर एक बहुत बड़ी ड्रिल मशीन से बर्फ के अंदर छेद करके एलियन का सैंपल निकाल लेता है। वो उसकी लैब के अंदर जांच करेगा। रात को वो सभी लोग एक पार्टी करते हैं। दूसरी ओर वो एलियन वाला बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगता है। हेलीकॉप्टर के पायलट सैम के दोस्त को वो एलियन की बॉडी देखने की इच्छा होती है। तभी एलियन अपनी बर्फ को तोड़ के छत से होते हुए बाहर चला जाता है। सैम का दोस्त उन सभी को एलियन के भागने की न्यूज देता है। वो सभी जने दो लोगों की टीम बना के उस एलियन को ढूंढने लगते हैं। डॉक्टर सैंडर उनके कुत्ते को पिंजरे के अंदर मरा हुआ पाते हैं। सैम और उसके दोस्त हेलीकॉप्टर को चेक करते हैं। एक टीम को वो एलियन घर के अंदर छुपा हुआ मिलता है। एलियन अपने टेंटेकल को छोड़ के हेनरिक नाम के एक आदमी को पकड़ लेता है। उसका दोस्त मदद के लिए आवाज लगा के सबको वहाँ पे बुला लेता है। एलियन को भागता हुआ देख के सैम एक केरोसिन की बोतल को फेंक के उसे बंदूक से ब्लास्ट कर देता है। आग लगने की वजह से उस एलियन की मौत हो जाती है। उनमें से दो जने आग को बुझा देते हैं। डॉक्टर सैंडर और केट उस एलियन के बचे हुए शरीर का पोस्टमार्टम कर रहे थे। केट एलियन के खून की जांच करने पे पाती है कि एलियंस इंसानों के सेल को कॉपी करके उनका हमशक्ल बना सकते हैं। फिर एक आदमी की तबीयत खराब होने पे सैम उसे हेलीकॉप्टर से एक दूसरे बेस ले जा रहा होता है जहाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटी थी। केट बाथरूम में थी, उसे शावर में खून के निशान मिलते हैं और फ्लोर पे मेटल के टुकड़े रखे हुए थे जिन पे खून लगा था। मेटल के टुकड़े दांतों में भरी जाने वाली फिलिंग के थे। केट तुरंत बाहर जाके अपने हाथ हिलाके सैम को रुकने का इशारा करती है। तभी हेलीकॉप्टर के अंदर सैम के फ्रेंड का चेहरा दो हिस्सों में कट जाता है। उसकी बॉडी में से अनगिनत टेंटेकल बाहर आने लगते हैं। सैम केट का इशारा देख के हेलीकॉप्टर को नीचे ले जा रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर दूर एक जगह पे क्रैश हो जाता है। केट फिर से बाथरूम में जाती है। वहाँ किसी ने खून के निशानों को साफ कर दिया था। केट बाकी सभी लोगों से मीटिंग करके उन्हें बताती है एलियन अपने आप को छुपाने के लिए इंसान के रूप में बदल जाते हैं। वो मेटल जैसी निर्जीव चीज को कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए उसे बाहर फेंक देते हैं। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद किसी ने बाथरूम से खून के निशान मिटा दिए, यानी कि उनमें से कोई एक जना एलियन है। डॉक्टर सैंडर कहता है वो और उसके आदमी मदद मांगने के लिए एक दूसरे बेस पे जाएंगे। एक जूलियट नाम की लड़की केट को बताती है उसने डॉक्टर सैंडर के आदमी को बाथरूम से खून के निशान साफ करते हुए देखा था। केट डॉक्टर सैंडर को रोकने के लिए उनकी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती है। वो चाबी को छुपा देगी। तभी वो जूलियट नाम की लड़की एलियन में बदल जाती है। केट उससे बच के भाग रही थी। एक आदमी उनकी
के बीच में आ जाता है। वो जूलियट के साथ काम करता था। एलियन उस आदमी को मार देता है। केट कमरे में जाके उसका दरवाजा बंद कर देती है। केट को उसका फ्रेंड और लार्स नाम का एक और आदमी मिलता है जिसके पास फ्लेम थ्रोअर थी। लार्स अपनी बंदूक से एलियन को आग लगा देता है। फ्लेम थ्रोअर में से आग निकल सकती थी। और फिर वो लोग एलियन की बॉडी को बाहर ले जाके उस पे केरोसिन डाल के उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। केट कहती है उनमें से कोई भी जना एलियन हो सकता है। एलियन का पता लगाने के लिए उन सबका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर सैंडर सभी लोगों का ब्लड सैंपल इकट्ठा कर रहा होता है। केट लार्स के साथ मिलके वहाँ की सारी गाड़ियों के तार काटने लगती है ताकि कोई भाग न पाए। तभी केट को सैम और उसका फ्रेंड दिखता है जो हेलीकॉप्टर क्रैश में बच गए थे। केट सैम और उसके फ्रेंड को एक घर में बंद कर देती है। वो उनका ब्लड टेस्ट करवाएगी। हो सकता है वो एलियन हो। केट को तभी लैब के अंदर से आग निकलती हुई दिखती है। किसी ने उनकी लैब को आग लगा दी थी जहां वो ब्लड टेस्ट करने वाले थे। ब्लड टेस्ट करने वाली सारी मशीनें आग में जल चुकी थी। सभी लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं कि उनमें से कोई भी एलियन हो सकता है। उसी ने यहां पे आग लगाई थी ताकि ब्लड टेस्ट ना हो पाए। केट कहती है वो एक और तरीके से एलियन होने के बारे में पता लगा सकते हैं। एलियन मेटल को कॉपी नहीं करते, तो जिनके दांतों में मेटल की फिलिंग है वो एलियन नहीं हो सकते। केट, लार्स और दो जनों के दांतों में मेटल की फिलिंग थी। डॉक्टर सैंडर और उनके दोस्तों के दांत एकदम साफ थे क्योंकि वो कोलगेट से ब्रश करते थे। केट उन्हें दूसरी लाइन में खड़ा कर देती है। उनमें से कोई भी एलियन हो सकता था। केट सैम को बुलाती है ताकि उनके दांतों को भी चेक कर पाए। लार्स सैम को लेने घर में जाता है लेकिन वहाँ सैम नहीं होता। सैम लकड़ी की दीवार में छेद करके वहाँ से भाग गया था। सैम और उसका दोस्त लार्स को पकड़ के उसकी फ्लेम थ्रोअर रख लेते हैं। सैम घर के अंदर जाता है। केट के साथ वाला आदमी सैम को फ्लेम थ्रोअर फेंकने को कहता है। सैम के मना करने पे वो आदमी उसे जलाने वाला था लेकिन सैम का दोस्त उसे गोली मार देता है। अचानक से डॉक्टर सैंडर का दोस्त एलियन में बदलने लगता है। उसका हाथ कीड़े में बदल के एक आदमी के मुंह से चिपक जाता है। सैम का दोस्त एलियन पे गोली चलाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठता है। एलियन में से टेंटिकल बाहर आके उन सभी पे हमला कर रहे थे। सैम एलियन को आग लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी फ्लेम थ्रोअर जाम हो चुकी थी। एलियन केट के दोस्त एडम के चेहरे से जुड़ने लगता है। केट सैम की फ्लेम थ्रोअर को साफ करके उस एलियन के पीछे जाती है। सैम अपने पास एक कुल्हाड़ी रख लेता है। डॉक्टर सैंडर एक कमरे में छुपा हुआ था। एलियन उस पे हमला करके उसे अपने जैसा बना देता है। केट और सैम को दीवार पे एलियन कीड़ा रेंगते हुए मिलता है। सैम के कुल्हाड़ी से काटने पे वो कीड़ा 2 लाख कीड़ों में बदल जाता है। केट उनको आग लगा देती है। सैम अपनी कुल्हाड़ी को छूने वाला था। केट उसे कुल्हाड़ी को छूने से मना करती है क्योंकि कुल्हाड़ी में एलियन का खून लगा था। उसे छूने से सैम एलियन में बदल जाएगा। एलियन का खून वायरस की तरह काम करता था। सैम और केट अलग अलग होके एलियन को ढूंढने लगते हैं। एलियन जब सैम पे हमला करता है तभी वहाँ केट आके एलियन को आग लगा देती है। एलियन दीवार तोड़ के बाहर चला जाता है। तभी केट और सैम डॉक्टर सैंडर्स को देखते हैं जो एक गाड़ी को सही करके वहाँ से भाग रहा था। केट और सैम एक दूसरी गाड़ी से डॉक्टर सैंडर का पीछा करते हैं। डॉक्टर सैंडर की गाड़ी एलियन के शिप वाली गुफा के बाहर खड़ी मिलती है जिसका मतलब डॉक्टर सैंडर एलियन में बदल चुका था। केट और सैम एलियन शिप पे चढ़ के डॉक्टर सैंडर को ढूंढने लगते हैं। तभी एलियन शिप के चालू होने पे उसके इंजन दरवाजों से बाहर आ जाते हैं। एलियन अपने प्लैनेट वापस जा रहा था। केट एक दरवाजे में फंस के शिप के अंदर चली जाती है। सैम केट को बचाने के लिए एक दूसरे दरवाजे से होके शिप के अंदर जाता है। केट अंदर थी, उसे शिप के इंजन घूमते हुए दिखते हैं जिसमें से सफेद रोशनी निकल रही थी। एक दूसरे कमरे में केट को एलियंस का कंप्यूटर दिखता है। कंप्यूटर में से अजीब तरह की इमेजेस नजर आती है। तभी पीछे से डॉक्टर सैंडर केट पे हमला करता है जो एलियन में बदल चुका था। केट भागते हुए एक दीवार के पीछे छुप जाती है। उसके पास केवल एक ग्रेनेड बचा हुआ था। एलियन दीवार तोड़ के अपने टेंटेकल से केट की टांग को पकड़ लेता है। एलियन जब केट पे जंप करता है, केट एलियन के मुंह में ग्रेनेड फेंक देती है। सैम केट से मिलके शिप से बाहर जाता है। एलियन के खत्म होने पे शिप अपने आप बंद हो गए थे। सैम गाड़ी में था, वो केट को अंदर बुलाता है लेकिन केट गाड़ी में बैठने से मना कर देती है। केट सैम से उसकी इयररिंग के बारे में पूछती है। दरअसल सैम ने अपने कान में मेटल की इयररिंग पहनी हुई थी और इस वक्त वो गायब थी।
सैम अपने गलत कान को छूता है। उसने इयररिंग दूसरे वाले कान में पहनी थी। केट समझ जाती है सैम एलियन में बदल चुका था। एलियन मेटल की चीजों को कॉपी नहीं करते। केट उसे फ्लेम थ्रोअर से आग लगा देती है। केट दूसरी गाड़ी लेके एक रशियन बेस पे जाती है जो वहाँ से 50 किलोमीटर दूर था। लाश के अंदर वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है। लाश जिंदा बच गया था। तब ये कुत्ता वहाँ से भागने लगता है। इस कुत्ते के अंदर एलियन था। लार्स और हेलीकॉप्टर का पायलट उस कुत्ते का पीछा करते हैं। लार्स उस कुत्ते पे निशाना लगाता है। इस लास्ट वाले सीन से पता चलता है कि ये फिल्म 1982 में रिलीज हुई द थिंग की प्रीक्वल थी। फिल्म के अंदर बताए गए सारे इंसिडेंट 1982 वाली फिल्म से पहले हुए थे।